जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पिछली मर्तबा जब वो चंद्रयान 2 गया था और ये मिशन नाकाम हुआ था तो मुसलमानों ने बहुत तालियां बजाई थी, आ हा 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 हम तो खुद कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें अभी अच्छा हुआ मार पड़ी। अब क्या करोगे? चंद्रयान 3 पहुंच गया चांद पे। यू सी, मैं आमतौर पे ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूं, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने? बर्नौल भिजवाओ, बर्नौल, ये लोग जलते हैं भारत की तरक्की से कि भारत इतना आगे क्यों बढ़ गया है। भारत जो जिन्होंने हम पर राज किया, आज भारत उन पर राज कर रहा है, तो इनको बर्नौल भेजो, जल रहे हैं ये। अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, वो एक फेक न्यूज थे। अच्छा। वो झूठ था। तो ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत का चंद्रयान मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और भारत का चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जो है वो लैंड हो चुका है। वहां पे हमारा रोवर जो है प्रज्ञान वो वहां पे लैंड हो चुका है और दोस्तों इसी के साथ पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो चुका है और भारत के साइंटिस्टों को काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ दी जा रही हैं। दोस्तों इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारत में आकर ये घोषणा कर दी कि भारत में जो ये कारनामा किया है उसके उपलक्ष्य पर चंद्रयान जहां पे उतरा है यानी कि जहां पर रोवर ने अपने कदम रखे हैं उस जगह को शिव शक्ति कहा जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तानी काफी ज्यादा बौखला गए हैं। उनका यह कहना है कि भारत ने अपने भगवान का नाम रख के जो चांद को अपने कब्जे में कर लिया है और ये काफिरों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। इसी के साथ पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रयान जो है वो चांद पर पहुंचा ही नहीं है, भारत झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब बिना किसी देर के वीडियो Let's start the video. अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब वगरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो, एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी, मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पर करूं, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, इसी, उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने? सी, द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग किया है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल, वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए हैं। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी कि दे फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन ज़ाय साहब ये कहेंगे ज़ाय साहब तो बस अब मुखालिफत ब्राय मुखालिफत कर रहे हैं और मुझे एविडेंस दे। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, एजुकेटेड नहीं था, मिलियंस ऑफ हिंदूज एजुकेटेड एंड वेल्दी इंडियंस आर लीविंग नेशनैलिटी ऑफ इंडिया एंड दे आर गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत की भारत में तरक्की डेवलपमेंट के लिए, ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा? तो इट्स नॉट समथिंग। लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुरबत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है, वो $150 अरब की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है।
इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ. ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस बिकॉज मजाक इनका बनेगा क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया. इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास. इन्होंने वीर चक्र दे दिया. मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस. सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव. सो मैं पेट्रोलिंग जरूर करूंगा उनको. मुबारकबाद. ये लोग जलते हैं भारत की तरक्की से कि भारत इतना आगे क्यों बढ़ गया है. भारत जो जिन्होंने हम पर राज किया, आज भारत उन पर राज कर रहे हैं, तो इनको बर्नौल भेजो, जल रहे हैं ये. आप क्या बोलेंगे? बाकी जलते हैं तो जलने दो, हमारा कारवां तो चलता रहेगा. और जल्दी जल्दी गजब बेइज्जती कर डाला. जलते हैं तो जलने दो, भारत जल्दी नंबर 1 पे सुपर पावर पे होगा और पूरी दुनिया देखती रहेगी. और बाकी फिर देखो बात उसकी होती है जो कुछ हो, जो कुछ होगा ही नहीं उसकी क्या बात होगी. नई सोच, नया भारत आगे की ओर बढ़ रहे हैं. और आपको भी कहूंगा पाकिस्तान को अब पेट दर्द खत्म होना चाहिए, कश्मीर का उनको भी आगे बढ़ना चाहिए. चलो थैंक गॉड, पहली बार ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तारीफ कर दी भारत की. बात तो थोड़ी कम ही हजम होगी बट यकीन कर लेते हैं. अरे पाकिस्तान तो कब का समझ चुका था, अब ये तो वो डोम कर रहा था हम जी हैं पता नहीं कौन, हम कैसे करेंगे वो करेंगे. लेकिन इंटरनली ना पाकिस्तान को भी पता है हम भारत के सामने ना चींटी है, चींटी 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 छोटी सी चींटी. तो दोस्तों ये थी आज के हमारे वीडियो जिसमें हमने देखा है कि कैसे चंद्रयान जहां पर लैंड किया था, यानी कि जहां पर हमारा रोवर जो है प्रज्ञान उसने पहले कदम रखे थे, उस जगह का नाम जो है अब से शिव शक्ति रख दिया गया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है. और भारत जो है साउथ पोल पहुँचने वाला जो है पहला देश बना है, और इसी के साथ भारत ने यहाँ पर शिव शक्ति नाम रख के इतिहास रच दिया है. दोस्तों इस पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी नाराज हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि भारत ने बिल्कुल सही नहीं किया. और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि भारत जो है वो झूठ बोल रहा है, वहां पर यानी कि चांद पर जो है चंद्रयान पहुंचे नहीं है. लेकिन उनको ये नहीं पता कि लाइव चंद्रयान की टेलीकास्टिंग दिखाई जा रही थी और पूरी दुनिया को पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंच चुका है. लेकिन पाकिस्तानी अपनी आदत से मजबूर हैं, भारत को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों के पास बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है. तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय.